जय श्री राम। आज का वीडियो हम सबके रोल मॉडल श्री हनुमान जी पर। बहुत दिनों से सोच रहा था कि श्री हनुमान जी पर नए साल 2024 में एक वीडियो जरूर बनाऊं। आज प्रयास करते हैं और इस वीडियो में कुछ नया उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यूं तो रामचरितमानस में कई किरदार हैं। सबसे पहले तो स्वयं राम, माँ सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनके पिता राजा दशरथ, तीनों माताएं सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी जैसे गुरु भी हैं, विभीषण हैं, अंगद हैं, जामवंत हैं, केवट जैसे समर्पित मित्र भी हैं, एक से बढ़कर एक ताकतवर किरदार हैं। लेकिन इन सारे किरदारों में मंदिर सिर्फ दो के ही बने, श्री राम जी और श्री हनुमान जी के। श्री सीता जी जो राम जी की पत्नी है, तो राम मंदिर में उनको भी स्थान मिला लक्ष्मण जी के साथ, लेकिन माँ दुर्गा और माँ काली जैसे अकेले मंदिर सीता जी के भी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि इतने लोगों के होते हुए इंडिविजुअल मंदिर अगर किसी का बना तो श्री हनुमान जी का। आप ऐसे कितने दासों के नाम बता सकते हैं जो खुद देवता ही बन गए? आज के इस एपिसोड में जानेंगे एक दास से देव बनने का सफर, और ये भी जानेंगे कि श्री हनुमान जी से ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको सीखकर हम अपने जीवन में बेहद कामयाब हो सकते हैं। श्री हनुमान जी बलशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें अतुलित बल धामम कहा है। पूरी रामायण के दौरान ऐसा देखने में कभी नहीं आया कि उनको किसी सहारे की जरूरत हो। पवन पुत्र हैं, कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, पर्वत की तरह उनका आकार है, कनक भुद्राकार शरीरा, और किसी से उन्हें डर भी नहीं, वो किसी से नहीं डरते। हालांकि उनसे सभी डरते हैं, भूत प्रेत तक डरते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह अगर हम सोचें तो पूरे तौर पर एक ठोस व्यक्तित्व के मालिक हैं श्री हनुमान जी। उन्हें ना तो किसी के सामने झुकने की जरूरत है और ना किसी से किसी तरह की रिक्वेस्ट करने की जरूरत। लेकिन सोचने वाली बात आज ये है कि अगर वो झुकते नहीं तो क्या वो उन सफलताओं को हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल की? आज की वीडियो में इसी पर विचार करना है। पर्वत के समान विशालकाय होने वाले हनुमान जी मच्छर के समान छोटे भी हो जाते हैं, और यही इलास्टिसिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो रिजिट नहीं है, अखड़ नहीं है, क्योंकि उनको खुद को लेकर कोई घमंडी नहीं। जो लोग रिजिट होते हैं उसका मूल कारण उनके अंदर का घमंड ही होता है। रावण रिजिट है क्योंकि उसके भीतर अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं। अगर जरा सा भी इलास्टिक होता, झुक गया होता, तो ना खुद मारा जाता, ना लंका ही जलती और ना ही लंका का सर्वनाश होता। उसने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो रिजिट था। श्री हनुमान जी रिजिड नहीं है। शक्तियां श्री हनुमान जी के पास कौन सी कम थी? वो किसको परास्त नहीं कर सकते थे। ज्ञान और बुद्धि के निधान है, लेकिन साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। उसका मेन कारण उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास तो है पर घमंड नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि उनको संतुलन यानी बैलेंस बनाना आता है। वे अपना काम बनाने के लिए खुद किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। कभी मच्छर बन जाते हैं और कभी विकराल रूप धारण कर लेते हैं। देखो, जब श्री राम जी और विभीषण से हनुमान जी पहली बार मिलने गए तो ब्राह्मण बन गए। जब सुरसा से टकराते हैं तो 32 योजन का शरीर धारण कर लेते हैं, और फिर जब एहसास होता है कि बड़े होकर बात नहीं बनेगी तो छोटे होकर मुंह में जाकर बाहर निकल आते हैं। जब लंका में प्रवेश करना होता है तो फिर छोटे हो जाते हैं, और जब सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं तो अति लघु रूप में जाकर मुद्रिका उनके सामने डालते हैं, और हनुमान जी उसी लघु रूप में सीता जी को ढांढस बढ़ाते हैं कि माँ आप चिंता ना करें, राम जी की बहुत बड़ी सेना है, मेरी ही तरह आपको यहाँ से जल्दी ही ले जाएंगे। तो माँ को डाउट होता है हनुमान जी का स्वरूप देखकर, क्योंकि उस वक्त बहुत छोटा रूप है। माँ कहती भी हैं, मोरे हृदय परम संदेह, मुझे बड़ा डाउट है कि आप कैसे कर पाओगे ये सब। और देखो, माँ का डाउट दूर करने के लिए श्री हनुमान जी फिर बड़ा रूप धारण करते हैं, कनक भूद्राकार शरीरा, आसमान तक फैले रूप को देखकर जब माँ का डाउट दूर हो जाता है फिर से छोटे हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? कभी लघु रूप, कभी विशाल रूप, कभी पूंछ लंबी कर लेना, कभी छोटी कर लेना, कभी ब्राह्मण बन जाना, ये सब करके श्री हनुमान जी एक ही शिक्षा सबको देते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जहां विनम्र होना है वहां छोटे, जहां सामने वाले को डराना है विशाल रूप में है, यानी काम के हिसाब से खुद को बदल लेना। अब श्री हनुमान जी से दूसरी चीज सीखते हैं। देखो साथियों, जिसके पास ताकत के साथ साथ तो बुद्धि भी हो
वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप सोच के देखो, कोई किसी का मर्डर करने आ रहा और वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि मर्डर करने वाला उसे गले से लगा ले, तो इससे बड़ा करिश्मा और क्या होगा। अब देखिए, श्री राम से संधि के बाद सुग्रीव भूल ही गए कि राम जी का काम करना है, सीता को ढूंढना है, और भोग विलास में डूब गए राजा सुग्रीव। अब वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सीता माता का पता लगाना था। वर्षा ऋतु बीत गई लेकिन सुग्रीव जी का कोई अता पता नहीं। गजब की लापरवाही कर दी सुग्रीव जी ने। राम जी जैसे सरल और शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के मन में भी क्रोध का संचार हो गया और उन्होंने लक्ष्मण को यहां तक कह दिया कि जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। पर लक्ष्मण जी स्वभाव से गुस्सैल हैं। बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण जी का खून खौल गया। अब लक्ष्मण किष्किंधापुर पहुंचे। उन्हें गुस्से में देखते ही सब बाणर इधर उधर भागते रहे। सुग्रीव की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि लक्ष्मण जी का सामना करें और सुग्रीव ने आखिरकार संकट मोचन हनुमान जी को ही मोर्चे पर लगा दिया। अब सीखने की बात यह है कि यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के सामने कोई तर्क वितर्क किया ही नहीं, कोई सफाई नहीं दी, कोई माफी नहीं मांगी। हनुमान जी ने कमाल की तरकीब अपनाई। सबसे पहले लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और फिर श्री राम की स्तुति करनी शुरू करी, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि श्री राम की स्तुति पूरी होने तक लक्ष्मण बीच में कभी नहीं बोलेंगे और इसी बीच उनका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि वो जानते थे कि क्रोध को अगर आप थोड़े देर के लिए पोस्टपोन कर दें तो वह कमजोर पड़ जाता है। देखो, ताकतवर होने के साथ साथ हनुमान जी की बुद्धि अलग ही लेवल पर सोचती है और ठीक ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण जी कुछ देर के बाद शांत पड़ गए और फिर श्री हनुमान जी ने उनको सुग्रीव से मिलवा दिया। साथियों, लक्ष्मण जी जैसे गुस्सैल व्यक्ति को जो सुग्रीव को मारने के इरादे से किष्किंधापुर आए थे, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से शांत कर दिया। दोस्तों, अगर आप जीवन के चैलेंजेस और स्ट्रेस से परेशान हैं तो उसका एक रामबाण इलाज आज आपको बता देता। जीवन में एक बार सुंदरकांड का पाठ जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें श्री हनुमान जी के कई चरित्र हैं जो आपको प्रेरणा देंगे कुछ ना कुछ करने की। कहते हैं कि जो इंसान सुंदरकांड का नियमित पाठ करता है उसके जीवन में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है, जिसे आज आप टेक्नोलॉजी की मदद से ऑडियो शो के रूप में कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कहीं भी जाते हुए, कुछ भी काम करते हुए, सुंदरकांड ज्ञान और सफलता का पाठ सुनते हुए मन को काफी शांति मिलेगी। ये ऑडियो शो आपको ना केवल स्ट्रेस मुक्त करेगा बल्कि आपको अंदर से भी मजबूत करेगा और रोजमर्रा की आने वाली परेशानियों के लिए तैयार करेगा। साथियों, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां आपके लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड ऑडियो शो अवेलेबल है, जो कि सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, बिजनेस, स्पिरिचुअल कैटेगरीज में है, जिनको सुनकर आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 99 का है, पर मेरा कूपन कोड यूज करिए Sony50, आपको यही सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में मिल जाएगा, यानी मात्र 49 रुपीज में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स सीखने की छूट। चेक आउट माई पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर डाउनलोड लिंक। आगे लेकर चलता हूं और सीखते हैं तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख श्री हनुमान जी से। अब अगली इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो आप और हम श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं, साथियों, अगर आप गहराई से सोचे, सबसे बड़ी बुराई किसी के जीवन में क्या होती है, वो होता है डर। लालच, ईर्ष्या, नफरत जैसी बुराइयां भी इतनी बुरी नहीं है जितना डरपोक होना। कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गया। डरपोक आदमी कुछ नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं कि डर हमारे अंदर की सारी शक्तियों को कुचल देता है, हमारे गुणों को कुचल कर नष्ट कर देता है। लेकिन श्री हनुमान जी को देखें, डर से उनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो ताकतवर हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि वो हारने से नहीं डरते। अशोक वाटिका में जिस रावण के बेटे को मार दिया है, उसी रावण के दरबार में उसके सामने निडर खड़े हैं, जहां देवता तक रावण के सामने हाथ जोड़े कांप रहे हैं, देवता डरे हैं, दिक्पाल डर रहे हैं, लेकिन श्री हनुमान जी ऐसे खड़े हैं जैसे सांपों के झुंड के बीच कोई गरुड़ खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, वो रावण की शक्ति को अच्छे से जानते हैं, बावजूद कोई डर ही नहीं। कौन हो तुम? कोई न्यायाधीश या एक तुच्छ से वानर जिसे एक चींटी की तरह कभी भी यूं मसल सकता हूं मैं? महाराज, चींटी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो उसे तांडव करवा सकती है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। देखो, कोई बच्चा अगर खेल खेल में सांप पकड़ ले या खेल खेल में शेर के मुंह में हाथ डाल दे तो ये कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि कर क्या रहा है। लेकिन अगर कोई शेर की ताकत जानते हुए उसके मुंह में हाथ डाल दे तो बात ही कुछ और है।
रावण तो सोच ही नहीं सकता कि कोई उसकी ताकत जानने के बाद ऐसा निडर उसके सामने खड़ा हो सकता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन बोलता हुआ खूब हंसता है। लेकिन अचानक बेटे के वध का ध्यान आता है तो फिर उदास हो जाता है। और फिर रावण कहता भी है, क्या तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना? मैं तुझे बड़ा निशंक देख रहा हूं। साथियों, यह निशंकता ही श्री हनुमान जी की समस्त शक्तियों का केंद्र है। वो किसी से डरते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जरा सा भी डाउट नहीं। याद रखना, डाउट ही डर पैदा करता है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चले गए बिना डरे, क्योंकि उनको कोई डाउट नहीं था। सर एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए बिना किसी डर के, क्योंकि मन में किसी तरह का डाउट नहीं था। हनुमान जी यहां हम सबको यही सिखा रहे हैं, जो खुद को जीत लेता है वो डर को भी जीत लेता है। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते वो अंदर से डरे हुए होते हैं। और हनुमान जी सिर्फ रावण के दरबार में निडर होकर खड़े नहीं हैं, उसको धमका भी रहे हैं। रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि अगर जानकी जी को नहीं लौटाया तो हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी तुमको नहीं बचा सकते। मेरी मानो और माता जानकी को प्रभु श्री राम को लौटा दो। राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख ले। रावण का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसके दरबार में आज तक किसी ने ऐसी बात उसके सामने नहीं करी। रावण ने आदेश दे दिया कि बंदर को मार डालो। मृत्यु निकट आई खलतु ही, देख तेरे निकट मृत्यु खड़ी है। काल की अधिशाष्टी शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। रावण बोला, हंसता क्यों है? तुझे डर नहीं लगता? मौत तेरे बगल में खड़ी है। हनुमान जी बोले, मौत मेरे बगल में खड़ी जरूर है, पर देख तुझे रही। रावण बोला, जब तेरे बगल में खड़ी है तो मुझे क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि इसका अभी मामला साफ कर दूं या रुकूं, तो हम तो रोके हुए हैं कि अगर मान जाए तो ठीक, नहीं तो बाद में जो होगा सो देखा जाए। साथियों, श्री हनुमान जी निडर हैं, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु का काम करने आए हैं। ऐसे ही हम अगर हर काम को ईश्वर का काम समझकर करना शुरू कर दे, देखना डर हमसे डर के भागे। और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको श्री हनुमान जी से सीखनी चाहिए वो है खुश रहना। साथियों, आप पूरे रामचरितमानस को पढ़िए, आप हनुमान जी को कहीं भी दुखी नहीं पाएंगे। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, मानस में करीब करीब हर पात्र दुखी है श्री हनुमान जी को छोड़कर। देखो, राम जी दुखी हैं, रो रहे हैं, उनकी पत्नी को रावण उठाकर ले गया। सीता जी मिल नहीं रही, रो रहे हैं। सीता जी वहां अशोक वाटिका में दुखी हैं। लक्ष्मण जी भी क्रोधित हैं, मंथरा पर क्रोधित हैं, कैकई पर क्रोधित हैं, समुद्र पर क्रोधित हैं, क्योंकि रास्ता नहीं दे रहा। महाराज दशरथ राम के वियोग में दुखी, इवन प्राण तक दे देते हैं। तीनों माताएं दुखी हैं। भरत रो रहे हैं, अपनी माँ कैकई को कोस रहे हैं। रावण तो परेशान है ही, लेकिन दीक्षित एक श्री हनुमान जी हैं जो रामचरितमानस के आरंभ से अंत तक शांत और प्रसन्न है। तुलसीदास जी भी जब श्री हनुमान जी के कामों का जिक्र करते हैं, उनके प्रसन्न मन की बात जरूर बताते हैं कि जब श्री जामवंत श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला रहे हैं, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला रहे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, सीता जी को खोजने का काम जरूर पूरा होगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। साथियों, याद रखो, जब आपका मन किसी भी काम को करने के लिए खुश होता है ना, तब दिमाग सोचता ही नहीं कि काम होगा या नहीं, वो तो बस उस काम को पूरा करने में लग जाता है। और सबसे कमाल की बात है कि श्री हनुमान जी छोटे और बड़े सभी को माथा टेक कर जाते हैं और सबसे कहते हैं, तुम सब यही कंदमूल खाकर मेरा इंतजार करो, मैं सीता जी का पता लगाकर आता हूं। उनको कोई डाउट नहीं कि मां मिलेंगी कि नहीं, वो बिल्कुल श्योर है, क्योंकि मन प्रसन्न है। वो ये कहते ही नहीं कि मैं जाता हूं, ट्राई करता हूं, देखता हूं काम होगा कि नहीं, वो नहीं कहते। वो कहते हैं, मैं पता लगाकर आता हूं, तुम इंतजार करो। कितने कमाल की बात हम सीख सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए आपका मन से 100% श्योर होना सबसे ज्यादा जरूरी। साथियों, इनमें से एक भी चीज अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन धन्य हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कौन सी क्वालिटी आपको श्री हनुमान जी की सबसे अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 2024 में अपना जीवन सफल बनाएं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।